जय माता की। और पहली बार है ना भाई, पापा की 10वीं पैदल यात्रा है और मम्मी है ना पापा को विदा करने के लिए है ना घाट की गुणी तक जाएगी मोटी डोंगरी से। जय माता की। और दोस्तों आज जयपुर से कटरा के लिए पैदल यात्रा वैष्णो देवी रवाना हो रही है, तो भाई यात्रा को ना फोकस तक अपन पहुंचा के आएंगे और अपने पिताजी जा रहे हैं पैदल नंगे पैर इस बार, तो भाई चलते हैं अपन फटाफट से और कुछ सामान है जो अपन गाड़ी में डालते हैं अपनी टाटा नैनो में और चलते हैं। और भाई आवाज़ है ना कूलर की आ रही है, देखो चलते हैं फटाफट। और दोस्तों ये अपनी टाटा नैनो भाई, इसमें सामान रखते हैं फटाफट। इधर इनकी भी ले सकते हैं। सिंगल में बनाना गेट, सिंगल गेट है, लंबा बना के खड़ो रखिए। आ जाएगा आराम से आएगा ना। ये इतनी सारी बादाम ही पड़ी। और दोस्तों इसमें भाई अगरबत्ती 2 फीट की अगरबत्ती है, किसी ने देखी नहीं होगी आज तक। चलो फटाफट चलते अपन मोटी डूंगरी ती। और ये पापा के बैग है, 1, 2, 3 बैग, तो भाई वैष्णो देवी जा रहे हैं। और ये आपको पोस्टर दिखा देते हैं, ये पोस्टर देखो, ये अपनी मंदिर की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। जो भी भाई पैदल यात्रा जाने का इच्छुक है अगले साल से, आप ये संपर्क नंबर देख लो, कांटेक्ट करके भाई आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और भाई ये अपने घर पे देखो कलर पेंट करवा दिया अपन ने, और ये अपना मंदिर, और ये भी अपना ही घर है। क्यों भाई राकेश भाई चले रहे हैं, आपसे तो मिलवाए नहीं। जय माता की, जय माता की भाइयों। और भाई ये अपनी टाटा नैनो लज्जा मोरी भाई, ये तो मोटी डूंगरी तक जाएगी है, इसके बाद में ना बड़े भैया लेके आ जाएंगे और अपन पैदल जाएंगे, पैदल चलेंगे भाई कुकस तक। और ये हमारे भाई जा रहे हैं आगे व्यवस्था बनाने के लिए और दोस्तों मोटी डूंगरी आ चुके हैं, गणेश जी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जा रहे राकेश भाई गणेश जी, और और दोस्तों वैष्णो देवी पद यात्रा की मोटी डूंगरी से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये हमारे पिताजी को देखो भाई, माला देखो इनके गले में, फेटा वेटा लगा के माला वाला पहन के। जय माता की। आओली एक वीडियो तो आओली कुकस तक की और भाई साहब तो डाल जो, हाँ नहीं बढ़िया। और ये भक्त प्रसाद खा रहे हैं अभी, जो कि भाई हमें ना कचौरी और फ्रूटी लाने में बहुत लेट हो गए, लेट क्या हो गया हमें एंड टाइम पे बोला है इन्होंने। और पहली बार है ना भाई, पापा की 10वीं पैदल यात्रा है और मम्मी है ना पापा को विदा करने के लिए है ना घाट की गुणी तक जाएगी मोटी डोंगरी से, है ना। और पापा जा रहे हैं भाई इस बार है ना पैदल नंगे पैर, ये देखो बिल्कुल नंगे पैर 1100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे वैष्णो देवी की।
और दोस्तों दिल्ली रोड पे आ चुके हैं। और दिल्ली रोड पे देखो आप, ये है श्री शिव बालाजी धाम। यहाँ यात्री रुकी है थोड़ी देर विश्राम करने के लिए और भगवान के हाथ जोड़ के फिर यहाँ से निकलते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। और दोस्तों जयपुर से वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर, जो कि पापा नंगे पैर जा रहे हैं इस बार, मतलब ये दूसरी यात्रा है पापा की नंगे पैर। वैसे 9 यात्रा कर चुके हैं और ये 10वीं यात्रा है और ये नंगे पैर की दूसरी यात्रा है। और भाई गर्मी देखो आप, बहुत तेज़ हो चुकी है। और दोस्तों दिल्ली रोड पर संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ आ चुके हैं सारे यात्री और यहाँ पर भोजन प्रसादी होगी। और ये संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर का पीछे का हिस्सा और आप देखो नज़ारा। और यहाँ पे भोजन प्रसादी है, ये हमारे चाचा जी ये जाएंगे वैष्णो देवी पैदल। जय माता की, 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 जय माता, जय माता की, 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 सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। और दोस्तों सभी भक्तों ने यहाँ पे भोजन प्रसादी ग्रहण किए और अब चलते हैं आगे की कुकस के लिए। वहाँ शेरावाली का मंदिर है, वहाँ जय माता की दर्शन करो आप। और सभी भक्त लोग यहाँ पे देखो विश्राम करने के लिए रुके हैं। और ये देखो हमारे यात्रा में सबसे सबसे हसमुखा आदमी और पूरी यात्रा को हंसाने वाले, जय माता की। और ये इंडिया, ये पूरी स्वयं खुद इंडिया है। इंडिया में क्या हाल है, तेज बोलो अंकल जी, आवाज ही को नहीं था कि। और ये हमारे अजय भाई, इनकी 13वीं यात्रा इस बार है ना। और देखो 25 साल का लड़का है। और ये जो है ना श्री श्याम ढाबे वाले की तरफ से हमें चाय पानी की सेवा की है उन्होंने। जय माता की, जय माता जी। और दोस्तों भाई कुंडा से आगे आ चुके हैं और करीब है ना 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर कुकस है जहाँ शेरावाली का मंदिर है। और भाई बाइक है ना, हम सुबह इस बार है ना भाई पैदल बाइक को घसीटे नहीं, इस बार है ना हम पहले है ना बाइक को सुबह जाके और कुकस में माता जी का मंदिर है वहाँ पे जाके खड़ी करके आ गए। 2 बाइक ले गए थे, एक छोड़ी आए और एक वापस घर पे आ गए। और अभी पिताजी और के साथ पैदल चल रहे हैं, कुकस से हम वापस रवाना होंगे। पता नहीं माता रानी की मर्जी नहीं है इस बार पैदल बुलाने की, नहीं पैदल नहीं लेकिन जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर भाई यात्रा में। वैष्णो देवी इस महीने में नहीं, अगले महीने में जरूर से जाएंगे। क्यों जाएंगे, जाएंगे। और देखो ये जगह जगह यात्री मिलते हैं, ऐसे भगवान सबकी सेवा करते हैं। ये कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, कोई पानी पिलाएगा, कोई शरबत पिलाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। सात बज के 45 मिनट हो चुके हैं और भाई हम पैदल चल रहे हैं अभी।
और वो चल रहे अपने पिताश्री और यात्री, वो पैदल चल रहे हैं। और भाई अभी फोकस पहुंचने वाले, 2-3 किलोमीटर रह गया। क्यों राकेश भाई? हाँ बिल्कुल भाई, 2-3 किलोमीटर रह गया अब। और दोस्तों फाइनली भाई पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, श्री दुर्गा माता मंदिर। जोता वाली माता तेरी सदाई जय, महाराज की जय, महाराज की जय, की जय। सुबह है ना राकेश भैया की अपनी है ना, यहाँ दुर्गा माता के मंदिर पे बाइक छोड़ गए थे और अपनी रामप्यारी को ले गए थे घर पे। दो बाइक से आए थे, एक छोड़ गए थे यहाँ पे और अब काम आएगी अपने रात को। क्यों राकेश भाई? है ना, जय माता की, जय माता जी। और दोस्तों आज का जो है ना पड़ाव भाई, रात का विश्राम है ना, जो रात्रि का विश्राम, कुकस के अंदर दुर्गा माता का मंदिर है यहीं पे। और भाई अपन जा रहे हैं अब घर पे, क्योंकि इस बार हम नहीं जाएंगे वैष्णो देवी पैदल। मतलब 2019 में मैंने पैदल यात्रा की थी, मतलब 3 यात्रा कर चुका हूँ, उसके बाद में माता की पता नहीं कोई कृपा नहीं है क्या। और अभी भी जाने की इच्छा थी, लेकिन एक महीने पहले है ना अपना थोड़ा समझ जाओ परेशानी आ चुकी थी, तो भाई इस वजह से नहीं जा पा रहे इस बार। पैदल नहीं जा पा रहे, लेकिन जाएंगे जरूर। हाँ पैदल नहीं जा रहे, लेकिन वैसे ट्रेन से कि बस से या अपनी रामप्यारी से कैसे भी जा सकते हैं ये कोई पता नहीं है, लेकिन जाएंगे जरूर। हाँ बाकी है ना सभी यात्री बहुत सकुशल आ चुके हैं यहाँ पे। और पापा है ना भाई, वैष्णो देवी जयपुर से कटरा, वैष्णो देवी नंगे पैर जा रहे हैं इस बार नंगे पैर जा रहे हैं। तो भाई माता रानी से प्रार्थना ये है कि भाई माता रानी सारे है ना भक्तों के कष्ट हर ले भाई। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल भाई। और इस बार हम भी नहीं जा रहे, तो भाई थोड़ा वैसे तो सभी यात्री एक दूसरे का सब सहयोग करते हैं, क्यों भाई? भाई सब सहयोग करते हैं। तो आज अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ और घंटी को दबा दो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो ठीक है भाई, जय माता की, जय माता जी। और वीडियो में कुछ गलती हो तो भाई क्षमा करना, क्यों भाई पैदल चले जितनी बढ़ा सकते थे उतनी बढ़ा दी आपके भाई ने। ठीक है, जय माता दी, जय माता दी।